हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूनिट देखे थे। ठीक है, उसी में अब ये दो प्रॉपर्टी फिजिकल हम पढ़ेंगे, दैट्स डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, ओके। अब डेंसिटी में डेंसिटी कैसे निकालेंगे? एक्चुअली मैटर्स में हमने कहा था कि एनी थिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, ओके तो उसी से डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की निकाली जाती है। ओके, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम डेंसिटी निकालते हैं तो हमें यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। वो होता है कि मास ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मास और वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि डेंसिटी सब्सटेंस का कितना होता है। ठीक है, डेंसिटी का अगर देखा जाए तो डेंसिटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। सब्सटेंस में मैटर कितना प्रेजेंट है इस पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम किसी सब्सटेंस का एक छोटा सा सैंपल भी लेते हैं तो भी उसका डेंसिटी उतना ही आएगा जितना उस पूरे सब्सटेंस का होगा। ठीक है, तो डेंसिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, देन अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सो इन द लेबोरेटरी, ठीक है, अगर हम लेबोरेटरी में डेंसिटी निकालना चाहें इन लेबोरेटरी, क्या करना पड़ेगा? टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मास एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। सो इन डेंसिटी, इन लेबोरेटरी डेंसिटी इज कैलकुलेटेड, ठीक है, डेंसिटी इज कैलकुलेटेड, इज कैलकुलेटेड बाय नोइंग या कैलकुलेटिंग द मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जिस सब्सटेंस का आपको डेंसिटी निकालना है सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, मास और वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर मास और वॉल्यूम से हम उस सब्सटेंस का क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, अब डेंसिटी मास और वॉल्यूम से रिलेटेड कैसे होता है, ये हमने ऊपर लिख भी दिया है कि डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर डेंसिटी का हम SI यूनिट निकालना चाहें, ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज, इज डिटरमाइंड एज, कैसे मिलेगा? डेंसिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन SI यूनिट। मास किस में मेजर करेंगे हम? किलोग्राम में। SI सिस्टम में मास किस में मेजर किया जाएगा? किलोग्राम में। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस इन, वॉल्यूम किस में मेजर करेंगे? क्यूबिक मीटर में या फिर मीटर क्यूब में। ओके, सो किलोग्राम एंड मीटर क्यूब, दीज आर द SI यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इस रेशो से हमें क्या मिलेगा, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा यहां पर यूनिट? न्यूमरेटर में क्या है? किलोग्राम। डिनोमिनेटर में क्या आया है? क्यूबिक मीटर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसको आप केजी पर मीटर क्यूब इस तरीके से भी आप यहां पर शो कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब ये हुआ लार्जर यूनिट। ओके, अगर स्मॉलर यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है, जैसे कि इन CGS सिस्टम, अगर CGS सिस्टम में इसका यूनिट देखा जाए तो क्या होगा वहां पर, CGS सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम है तो उसके जगह पे CGS यूनिट क्या आएगा? ग्राम। ठीक है, और अपॉन यहां पर क्यूबिक मीटर है, इसका CGS क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो CGS यूनिट क्या है, CGS सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर CM क्यूब या फिर और ग्राम पर ML भी कह सकते हैं।
ठीक है. सो दीज आर द सीजीएस यूनिट ऑफ द डेंसिटी. सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट हो गया कौन सा, ग्राम पर सीएम क्यूब और ग्राम पर एमएल. ओके, इस तरीके से. अब जैसे कि स्मॉलर यूनिट्स हम खास तौर से लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके स्मॉलर यूनिट्स को हम ज़्यादा यूज करते हैं. ठीक है, समझ में आया. सो इट इज ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, दैट्स अ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर एक्चुअली मेजर करता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी. कोई बॉडी कितनी हॉट है या कोई बॉडी कितनी कूल है, ये कैसे मेजर होता है, ये कैसे पता चलता है? टेम्परेचर से. ठीक है, सो टेम्परेचर क्या करेगा, इट्स मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस. ठीक है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी या फिर ऑफ अ सब्सटेंस. बॉडी बोल सकते हैं या फिर सब्सटेंस बोल सकते हैं. किसी भी सब्सटेंस का हॉटनेस या कोल्डनेस हम मेजर करते हैं किसमें, टेम्परेचर में. ओके, अब टेम्परेचर हम मेजर करेंगे तो देयर आर द डिफरेंट स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर. कॉमनली, ठीक है, कॉमनली देयर आर थ्री स्केल. ठीक है, यहां पर थ्री स्केल मोस्टली हम यहां पर यूज करते हैं. सो देयर आर द थ्री स्केल यूज टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी. ठीक है, सो देर आर द थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की थ्री स्केल्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं. उसमें सबसे पहली स्केल है, दैट्स अ सेल्सियस या बोलेंगे डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस. ओके, इसको डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, इट्स अ डिग्री सेल्सियस. सेकेंड स्केल टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज द डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट. और थर्ड जो स्केल है टू मेजर द टेम्परेचर, दैट्स अ केल्विन. ठीक है, जो है थर्ड स्केल वो क्या है, केल्विन है. ओके, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, दीज आर द थ्री कॉमन स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टू मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर्स को मेजर करना चाहें तो जनरली क्या यूज करेंगे, थर्मोमीटर. ठीक है, सो थर्मोमीटर में क्या होता है, थर्मोमीटर भी डिफरेंट स्केल में टेम्परेचर को मेंटेन करता है. ओके, जैसे कि थर्मोमीटर्स मेजर द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल. अगर थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, मेजर द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल. ठीक है, सेल्सियस स्केल में अगर थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो कहाँ से शुरू होता है. सो थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस ये एक्चुअली क्या होता है. 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, ये क्या होता है, इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस स्केल में मेजर करना चाहें तो उसका स्केल कहाँ से होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस क्या डिनोट करता है, इट्स शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. एंड 100 डिग्री सेल्सियस शोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो ये हुआ डिग्री सेल्सियस के केस में. सेकेंडली, अगर हम इसको फ़ारेनहाइट स्केल में अगर कंसिडर करते हैं, इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम टेम्परेचर को मेजर करना चाहें तो वो स्केल कहाँ से शुरू होता है, दैट्स स्टार्ट फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज करस्पॉन्डिंग टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज करस्पॉन्डिंग टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस का ही फ़ारेनहाइट स्केल में भी हम कन्वर्शन कर सकते हैं, मतलब कन्वर्शन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, अगर हम डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्शन करना चाहें तो वो कैसे होगा, दैट्स अ रिलेटेड विद द रिलेशन इज दैट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32.
ओके okay? अब जैसे कि यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्शन करना है, तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस या 0 रखते हैं वैल्यू, तो 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी 0 जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में आंसर क्या आएगा आपका, 32 आएगा। ओके okay? और अगर 100 डिग्री सेल्सियस यहां पर रखते हैं, तो 9/5 × 100 + 32 इसका आंसर कितना आएगा, दैट्स 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी स्केल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली केल्विन जो है उसमें भी डिग्री सेल्सियस उससे रिलेटेड होता है। सो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज रिलेटेड विद द केल्विन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का केल्विन के साथ में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, सो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस दैट इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस यानी क्या हो गया, 273.15 केल्विन। अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में यानी 100 में ये नंबर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर, 373.15 केल्विन, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ओके तो ये डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर द 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर, दैट्स अ डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन। ओके समझ में आया। सो यहाँ तक है डेंसिटी एंड टेम्परेचर और इनके यूनिट्स, ठीक है बेटा, यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे नए टॉपिक की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।